वीडियो में डिटेल में बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग के होने वाले क्वालिफायर टू के बारे में अभी तक लंका प्रीमियर लीग में जितने भी मैचेज हुए हैं सभी हमने कवर किया और सभी में हमने क्लीन क्लीनसिप किया है हंड्रेड परसेंट विनिंग का हमारा रिकॉर्ड है हमने लंका प्रीमियर लीग स्टार्ट होने के पहले ही बोला था कि ये पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड सीरीज है तो मार्केट में कोई भी कंसिस्टेंसी के साथ विन नहीं कर पाएगा टीम बनाने सभी को आती है लेकिन जब तक आप न्यूज के बेसिस पे काम नहीं करते हो तब तक आप हमेशा प्रॉफिट में नहीं रह सकते हो स्क्रीन पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कल की विनिंग हम आपको शेयर कर देते हैं कल हमने टी ट्वेंटी ब्लास्ट के दो मैचेज कवर किए थे एक ही टाइम पे आठ नौ मैचेज होते हैं लेकिन उसमें से बेस्ट मैच सेलेक्ट करना सबसे बड़ी बात होती है तो हम लोग न्यूज के बेसिस पे काम करते हैं तो हमको पता है कि कौन से मैच में हम विन कर सकते हैं और ये बात हमारे मेंबर्स को भी पता होता है तो वो कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने पॉइंट का डिफरेंस था ये जो हमने कवर किया था एक मैच ग्लैम ऑर्गन और समर सेट का मैच था पचहत्तर हज़ार का इन्वेस्टमेंट दो लाख दो हज़ार रुपये की विनिंग एक लाख सत्ताईस हज़ार पाँच सौ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी विनिंग है ये हमारी टीम थी हमारी टीम की खास बात क्या थी कि हमने के कार्लसन को लिया था जिनको किसी भी अपोनेंट ने अपनी टीम में नहीं लिया था इन्होंने सेंचुरी लगाई थी डब्ल्यू स्मेल को भी हमने लिया था जिनको बाकी लोगों ने लिया नहीं था इनकी बात करें इन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई थी प्लस कैप्टन हमारे सांजे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट दिया मतलब सबसे अच्छा पॉइंट दिया इनके बाद एंड इसके अलावा बाकी कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो पहले इनिंग का हमने कोई भी बॉलर नहीं लिया था पहले इनिंग में विकेट्स बहुत बाद में सत्रहवें अठारहवें ओवर में जा कर के गिरा था यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट का डिफरेंस जो हमारे अपोनेंट है प्रीतम यादव ये ज़्यादातर लीग में रहते हैं तो इनको हमने चार पॉइंट से हराया है बहुत बड़ा मार्जिन है यानी इनका जो पॉइंट है उससे डबल पॉइंट हमारा है हमने यहाँ पे काल्सन को लिया है स्मेल को लिया है गगटंग को लिया हुआ है और अबेल को लिया हुआ है जो कि इनके पास नहीं थे एक और मैं विनिंग आपको दिखा देता हूँ सेक्स और मिडिल सेक्स की बात करें तो इसमें हमने पचास हज़ार का इन्वेस्टमेंट करके एक लाख पैंतीस हज़ार रुपये की विनिंग की इसमें भी आप देख सकते हो पॉइंट का डिफरेंस एच वार्ड ये हमारे ओपोनेंट्स के पास नहीं थे बहुत कम सेलेक्शन था प्लस इसके अलावा हमने यहाँ पे एडवर्ड्स को भी लिया था कैप्टन हमारे बेस्ट थे इसके अलावा हमने यहाँ पे सभी इम्पॉर्टेंट प्लेयर लिए हुए थे यहाँ पे देख सकते हो टीम का कॉम्बिनेसन यहाँ पे आ, बहुत सारे प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज हाई था जैसे कि एच ब्र ब्रुक्स है एस कि नाजी हैं मैक्स होल्डन है इन सभी हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर को हमने अपनी टीम में नहीं लिया था क्योंकि हम लोग न्यूज के बेसिस पर काम करते हैं जिसके लिए हम लोग लाखों रुपये पेमेंट करते हैं इसलिए ऐसी विनिंग आपको देखने को मिलती है यहां पे देख सकते हो एच वॉट का मात्र मात्री का सिलेक्शन था और जैक डेविस जिनको हमने लिया था विकेट कीपिंग सेक्शन में इनका भी फोर्टीट का ही सिलेक्शन था तो इस तरह की विनिंग आपको केवल सागा फ्लैशबैक के चैनल पर ही देखने को मिल सकती है अब लंका प्रीमियर लीग के क्वालिफायर टू की बात करें तो प्रेम दासा स्टेडियम कोलंबो में होने वाला है जहां सारे के सारे लास्ट के मैचेज आपको देखने को मिले यहां पे स्पिनर को मदद करती है पिच आपको पता है आप बहुत सालों से देख रहे हो कोलंबो में मैच प्लस यहाँ पे बैटिंग भी अच्छी हो रही है तो मैं ज़्यादा ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्टली आता हूँ लास्ट के जो चार मैच हुए हैं उसमें क्या हुआ है इसी पिच पे ये मैचेज हुए हैं एक सौ उनसठ बनाया कोलम्बो ने कैंडी फॉलकॉन ने चेस कर लिया यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिले थे बारह विकेट पेसर तीन विकेट स्पिनर लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो कोलम्बो की पिच आप सभी को पता है कि स्पिनर फ्रेंडली होती है एक सौ सहत्तर बनाया जेके ने जाफना ने और गाले ने इसको चेस कर लिया चेस होकर के मैच हो रहे हैं सात विकेट पेसर तीन विकेट स्पिनर 123 बनाया दाम्बुला ने कोलंबो इसको चेस नहीं कर पाई ये सभी एक्सेप्शनल मैच हो, होते हैं ऐसा अक्सर नहीं होता है नौ विकेट पेसर सात विकेट स्पिनर एक बनाया गाले ने और यहाँ पे कोलंबो की टीम ने चेस कर लिया सात विकेट पेसर और पाँच छः विकेट स्पिनर ज़्यादातर मैचे तीन मैचेज में चार में से चेस करके जीत हुआ है और एक मैच जो हुआ है डिफेंड हुआ है जो कि काफ़ी लो स्कोर था अब यहाँ पे देख सकते हो कौन से बैट्समैन और बॉलर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं ये सब स्टैट्स इतना मायने नहीं रखता है मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रीम इलेवन की टीम बनानी है वैसे देख लीजिए इस मैन्यू में फ्लेचर ने अच्छा किया एंजेलो मैथ्यूज़ ने चंडीमल ने कमिंदू मैंडिस ने मोहम्मद हैरिस ने कुसा मैंडिस निशांका अस अविस्का फर्नान्डो असलानका ये सभी नाम आपको याद रखना है बॉलिंग की बात करें हसरंगा का अच्छा रिकॉर्ड है हसरंगा कोलंबो के किंग कहे जाते हैं यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा हसरंगा का होता है तो कैप्टन हमको हसरंगा को ही बनाना है ये क्लियर करके चलिए चमीरा का अच्छा रिकॉर्ड है बॉलिंग में रंजीता का तब्रेस एमसी का और व्यस्कान का बट ये सीजन फ्लॉप गया है इसके अलावा हेड टू हेड में कुछ प्लेयर अच्छा किया है मोहम्मद हैरिस ने जाफना के अगेंस्ट अच्छा किया है। चंडीमल ने जाफना के अगेंस्ट अविस्का ने कैंडी फॉलकॉन के अगेंस्ट और वहीदू हसरंगा ने जाफना के अगेंस्ट प्लेयर्स बैटल हम यहाँ पे देख लेते हैं तो चमीरा ने 16 बॉल में दो बार आउट किया है कमिंदु मंडिस को इसके अलावा सोरिफुल इस्लाम ने चौदह बॉल में दो बार अविस्का फर्नान्डस को कुछ चमीरा ने अठारह बॉल में दो बार आउट किया अविस्का फर्नांडो को लक्षण संदकर ने 25 बॉल में तीन बार इसलानका को आउट किया है चार बार यहाँ पे असिथा फर्नांडो ने 15 बॉल में चार बार आउट किया है चंडीमल को ठीक है एंड इसके बाद दो बार आउट किया तब्रेज सेमसी ने इक्कीस बॉल में चंडीमल को फैबिन एलन ने आंद्रे फ्लेचर को ग्यारह बॉल में दो बार आउट किया है तो ये सभी एक विकेट से ज़्यादा वाले प्लेयर्स बैटल हैं मैचअप्स हैं बाकी आप एक विकेट वाला खुद से स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हो हेड टू हेड मैच का रिकॉर्ड की बात की जाए लास्ट मैच जो हुआ था कैंडी ने अठहत्तर बनाया जाफना ने इसको चेस कर लिया लेकिन उसमें भी इनके छः विकेट गिर गए थे मोहम्मद हैरिस ने तीस बनाया था लो स् ये कम ओवर का मैच हुआ था डीएलएस मेथड लगा था इसमें इसलिए यहाँ पे इतने विकेट गिरे दो विकेट एंजेलो मैथ्यूस ने दो विकेट हसरंगा ने लिए असलंका ने छब्बीस रन उमर जैन ने चौबीस रन एक विकेट बैंड्रॉव ने तीन विकेट और यहाँ पर आप देख सकते हो असिता फर्नांडो ने एक विकेट लिए जाफरा ने 224 बनाया कैंडी ने 230 बनाकर बना के चेस कर लिया निशंका ने 119 रिले रसो ने 41 कुशाल मेंडिस ने 26 तबरे सैमनी सामसी ने दो विकेट एक विकेट प्रमोद मरुसन ने अब यहाँ पे कैंडी फॉलकॉन की जीत में किनका कंट्रीब्यूशन था बहुत बड़ा टारगेट चेस हुआ था चंडीमल एटी नाइन मेंडिस मैंडिस पैंसठ नॉट आउट एंजेलो मैथिस उनतीस नॉट आउट मोहम्मद हैरिस पच्चीस दसुंत सनाका ने तीन विकेट लिया था रमेश मैंडिस ने दो विकेट और चमीरा ने दो विकेट बाकी जो रिकॉर्ड है ये पिछले सीजन का है अब यहाँ पे देख लेते हैं कुशाल मैंडिस का पूरा सीजन खराब गया है वैसे रिसेंट मैच में ये फॉर्म में आ गए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है विकेट कीपिंग भी करते हैं निशंका की फॉर्म खराब हो गई है लास्ट के चार मैच से ये फ्लॉप हो रहे हैं उसके पहले एक सौ उन्नीस अट्ठासी इक्यावन अच्छी इनिंग खेली है रिले रसो बीच बीच में अच्छी इनिंग खेल रहे हैं सेंचुरी भी लगा चुके हैं अब इसका फर्नांडो अच्छी फॉर्म है असलांका उतना कुछ खर्च कर नहीं पा रहे हैं उमर जाई कहीं कहीं पे इन्होंने अच्छा किया जैसे 24 रन एक विकेट 35 रन दो विकेट 14 रन एक विकेट 19 रन एक विकेट तो ऐसे प्लेयर हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दे सकते हैं धनंजय डिसिल्वा आपको दिख रहे हैं कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं बैटिंग काफ़ी नीचे आ रही है अगर वन डाउन टू तो डाउन आते तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते थे बट बॉलिंग से अच्छा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को हेल्प है काफ़ी फेबिन एलन अच्छा कर रहे हैं चार चार ओवर जब करते हैं तो एक एक विकेट तो मिल ही जाता है इनको उतना भी एक्स अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है इनको ग्रैंडलिंग में ट्राई करना वैसे ये भी स्पिनर है चार ओवर किया था विकेट भले ही इनको नहीं मिला था हजिता फर्नांडो को हर मैच में विकेट मिल रहा है लास्ट मैच में नहीं मिला था किसी किसी मैच में नहीं भी मिला है जैसे यहाँ पर नहीं मिला है लास्ट मैच में नहीं मिला है तबरेज सैम से इस पिच पर अच्छा कर सकते हैं इंपॉर्टेंट रहेंगे बेंच पे कुछ प्लेयर हैं जैसे प्रमोद मधुसन अच्छे प्लेयर हैं एंड जैसन भैंड्रॉफ अच्छे प्लेयर हैं एक मैच में इन्होंने तीन विकेट भी लिया है और इसके अलावा नूर अहमद खेलेंगे नहीं मेजर लीग क्रिकेट खेल रहे हैं ये अब कैंडी फॉलकॉन से बात करें तो ये सीजन चंडीमल का अच्छा गया लास्ट के दो मैच से ये फ्लॉप हो रहे हैं आंध्र फ्लेचर भी अच्छा कर रहे हैं मोहम्मद हैरिस भी हिट एंड मिस वाले हैं किसी किसी मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है बाकी में फ्लॉप है कमिंदू मैंडिस लास्ट के दो मैच से हाफ सेंचुरी लगा रहे हैं पार्ट टाइम बॉलिंग भी कराते हैं इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए एंजेलो मैथिस के बॉलिंग का कोई भरोसा नहीं किसी किसी मैच में इन्होंने बॉलिंग बिल्कुल नहीं कराई है और कराई भी है तो एक या दो ओवर कराई है और उसमें भी इनको उतने विकेट्स नहीं मिले लास्ट मैच में एक विकेट मिल गया था हसरंगा कैप्टन की चॉइस है पहले ही मैंने बता दिया चतुरंगा डिसल्वा को नहीं लेना है कुछ खास कर नहीं पाते हैं वैसे ये भी अगर देखा जाए तो लेफ्ट टर्म ऑर्थोडॉक्स से अच्छा कर सकते हैं दसुन सना का तीन से चार ओवर करा रहे हैं अभी लास्ट के दो मैच से जो चार ओवर करा रहे हैं इंपॉर्टेंट है रमेश मैंडिस हैं Uh, इनको कुछ खास uh, मतलब ये कर नहीं पा रहे तीन से चार ओवर तो करा रहे हैं यहाँ अट्ठाईस रन बनाया था यहाँ दो विकेट बस एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस है गोमेज को बॉलिंग नहीं मिली थी हसनैन लास्ट मैच में तीन विकेट ले गए थे पाकिस्तान के बॉलर हैं तो इंपॉर्टेंट रहेंगे बेंच पे कुछ प्लेयर हैं जिसमें अगर कोई खेलता है इंपॉर्टेंट प्लेयर तो मैं आपको बता देता हूँ एक तो यहाँ पे लक्षण संदकन अच्छे प्लेयर हैं कसुन रंजीता अच्छे प्लेयर है शोरीफुल इस्लाम अच्छे प्लेयर इनमें से कोई भी खेलता है तो आप इनको ले सकते हो अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की तो यहाँ से चंडीमल कुसाल मैंडिस दोनों इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट है। हैरिस उतने कंसिस्टेंट नहीं है यहाँ पे अविस्का फर्नांडो आंध्रे फ्लेचर और रिलेर रसो को मैंने लिया अभी एक प्लेयर लेना बाकी है आप निशंका को ले सकते हो लेकिन लास्ट के चार मैच से फ्लॉप जा रहे हैं कमिंदू मैंडिस एक अच्छा ऑप्शन है तो इनको बिल्कुल अपनी टीम में आप ट्राई कर सकते हो औरलांका काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते हैं हसरंगा मशफिक है एंजेलो मैथ्यूस ओमर जाए और दसुंसना का ये चारों ऑलराउंडर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाकी यहाँ पे एक धनंजय डिसिल्वा अच्छा कर सकते हैं श्रीलंका के लोकल प्लेयर हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको बाकी यहाँ पे इनका इनका कोई भरोसा नहीं है एंड यहाँ पे मैंने तब्रेज सेमसी को फिलहाल लिया है स्पिनर है मदद मिलेगी यहाँ से यहाँ पर और किसी को अगर लेना है तो एक असीता फर्नांडो का ऑप्शन है मोहम्मद हसनैन लास्ट मैच में तीन विकेट लेके आ रहे हैं और यहाँ पे कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं है तो फिलहाल के लिए मोहम्मद हसनैन को मैं ले, ले रहा हूँ और इनको तब मैं लूँगा अगर कैंडी की पहले बॉलिंग होगी अदरवाइज़ मैं यहाँ पे इनकी जगह पे कमिंदू मैंडिस के साथ जाऊँगा क्योंकि क्यों क्यों बैटिंग और प्लस एक दो ओवर बॉलिंग भी कराते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैप्टन आपको बनाना है असरंगा को ये मैंने पहले ही बता दिया और कोई भी कैप्टन की चॉइस नहीं है वाइस कैप्टन की बहुत सारी चॉइस हैं जैसे कि यहाँ पर चंडीमल कुसाल मैंडिस ये दोनों अच्छा कर सकते हैं यहाँ पे अच्छी फॉर्म में अविस्का है आंध्रे फ्लेचर हैं ओमर जाई भी कर सकते हैं पॉइंट दे सकते हैं दस सनाका भी विकेट ले रहे हैं तो ये सभी वाइस कैप्टन की चॉइस है चूँकि ये नॉकआउट गेम है अभी तक तो बहुत सारे मैचेज हो चुके हैं तो सभी प्लेयर कभी ना कभी अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं तो कैप्टन की एकमात्र चॉइस हसरंगा है अब बात करते हैं पेड मेंबरशिप की हमारा एकमात्र मात्र व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन टू डबल थ्री फोर सेवन फोर हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है विनिंग भी सबसे ज़्यादा हाई होती है अगर आपका बजट है तो मेंबरशिप ले सकते हो अदरवाइज़ हमको पेड मेंबरशिप देने से या आपके लेने से हमको एक रुपये का भी बेनिफिट नहीं होता है उससे ज़्यादा हमारे एक्सपेंसिज होते हैं न्यूज़ कलेक्ट करने के लिए तो जो हमारे ओल्ड मेम्बर्स है वही हमारे पैकेज को अपग्रेड करवाते रहते हैं उनको पता है कि फैंटेसी गेम में अगर विन करना है तो सागा फ्लैशबैक के अलावा कोई भी विन नहीं करवा सकता है जो हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं उनको मैं विन करवाता हूँ अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही आपका होस्ट हिंदू संकुरित साइनिंग आउट बाय